पति पत्नी एक दूसरे के लिए बाजार में उतर गए, इतनी बेहूदगी, और ऐसी भी क्या दीवानी बन गई नरेंद्र के पैर में कि सही गलत की भी सूद नहीं। मामी, नरेंद्र बाबू को इतना कठोर मैंने बनाया है, इतना दर्द दिया है उन्हें कि आज उन्हें किसी और का दर्द नहीं दिखता। अरे बस कर दी, और कितनी बार नरेंद्र व्यासी गलतियों को छुपाएगी तू। मां रेचल दी, आज के बाद व्यास पेंशन कभी नहीं जाएगी। अनुज भाई, मुझे व्यास मैंशन पहुंचना ही होगा, वो भी आज ही। मैं अपने आखिरी इम्तिहान में फेल नहीं हो सकती। मामा मामा, आप तो नरेंद्र बाबू को अच्छी तरह समझते हैं, समझाइए ना अनुज को। नरेंद्र बाबू शायद अब तेरे प्यार के काबिल नहीं रहे लड़की। मैं तुझे अब और जलील होते हुए नहीं देख सकता। मामा, आप सबको नरेंद्र बाबू की जिल्लत दिखी, उनका प्यार नहीं दिखा। कोई बिना परवाह के अपनी बीवी के लिए सबसे इस तरह लड़ जाता है क्या? Enough दी, इस बार तेरी एक नहीं सुनेंगे। और ये इम्तिहान विम्तिहान है क्या भाड़ में? ये लड़की बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसे 7 ताले के पीछे बंद करना होगा। चलो अच्छा। माँ पापा, दी के प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। अनुज, कम से कम तुम तो अपनी बहन का साइड लेते। ए, तुम बीच में नानी मत बनो। और तुम आज महफिल में नाची, कल पता नहीं और क्या करेगी। चलो मेरे साथ, चलो। कुसुम, ये मैंने क्या सुना? कुसुम हा? अपनी पूजा भरी महफिल में घुंघरू बांधकर नाची है? बस भाई बस, रुलाओगे क्या? मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता। पूजा जी आपके सामने ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे कितनी बदनामी हो गई हो, पर यहां देखिए कैसे चिपक चिपक कर नाच रही है। अभी तो बस डोरी खुली, आगे पता नहीं क्या। भाई भाई कंट्रोल, जब उन्हें खुद को कंट्रोल नहीं है तो आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? सच कहूं तो पूजा जी का कैरेक्टर थोड़ा ऐसा ही है। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। अरे हुआ क्या है? हुआ ये है मॉम कि हीर रांझा लैला मजनू के बाद नरेंद्र पूजा का ही नाम है। टूट कर प्यार करने के लिए नहीं, प्यार करके भी टूट जाने। वैसे मॉम, आपने अपने बेटे को क्या खिलाकर बड़ा किया था? मतलब जो दिमाग इतना कमीना है। कपूर साहब को भी खुशखबरी दे दीजिए। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, अपनी शादी की शेरवानी ऑर्डर कर लीजिए, काम हो गया। हमारी तो नाक कट गई बिरादरी में, क्या कहेंगे सब? हाँ कि गुप्ता जी की भांजी नाचने वाली बन गई। बॉस बहन जी, हमारी बेबसी का नाजायज फायदा मत उठाइए आप। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलटा लेंगे, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ आंटी, वैसे भी रात बहुत हो गई है,
आप सबको अपने घर की चिंता करनी चाहिए, प्लीज। देख रही हो ना, सबको बोलने का मौका मिल गया है। अब तुम्हें खुला छोड़ा तो कोई ना कोई कांड ही करोगी। तुम मेरे साथ ही चलो, आ जाओ। थैंक यू सो मच राहुल, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तुमने तो मेरा काम ही कर दिया। कमाल करते हैं कपूर साहब, सारा क्रेडिट हमारे आइडिया को ही दे देंगे। मैडम जी के ठुमकों की शान में भी तो कुछ कहिएगा, मजे तो आपको भी बहुत आए। पूजा जी क्या लग रही है? कभी हमारे लिए भी ऐसी महफिल सजाएं, बीवी जी। स्पेशल इफेक्ट्स वालों को पैसे तो पहुंचा दो, मेरे चेहरे पर पूजा का चेहरा चिपका कर। क्या चला है नरेन को इस बार? बेचारी पूजा, उसे तो इस बात की खबर भी नहीं होगी। आ रही हूं मैं नरेन, अपने आखिरी इम्तिहान को भी जीत में। सॉरी भाई, लेकिन इस बार मैं तेरी बात नहीं रख पाऊंगी। हे राम जी, प्लीज मेरी हेल्प करना। थैंक यू बाद में बोलना, अब जाओ, तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ जा रही है? मैं आपका इंतजार कर रहा था। नरेन, मैं सारी बेड़ियां तोड़कर आई हूं, चौथा इम्तिहान भी पूरा करके ही मानूंगी। हे
मैं जानती थी कहीं ना कहीं आज भी मेरा नरेन बिल्कुल वैसा ही है, और अब तो यकीन भी हो गया। आपने तीसरे इम्तिहान का फैसला नहीं मांगा, आपसे इतनी इज्जत मिली यही मेरा इनाम है। आपकी लीला मेरे समझ के बाहर है। पहले एक पति का इम्तिहान पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, और फिर उस जीत का जश्न अपने दूसरे पति के साथ मनाती है। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? पैसा, प्रॉपर्टी, किसी चीज की कमी तो नहीं है मिस्टर कपूर के पास? फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? आई थिंक मिस्टर कपूर वॉज राइट। मर्दों को दीवाना बनाकर अपने जाल में फंसाना आपका पेशा बन गया। है ना? वैसे अब तक कितनी ट्रॉफीज जीती हैं आपने? लेकिन मुझे जीतना इतना आसान नहीं होगा पूजा जी। आधी रात को घर की चौखट लांघकर इतनी दूर तक आई हूं, आपको लगता है आप मुझे डरा देंगे? शर्मी की कौन सी गोली खाती हैं आप, जो आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता? अब जब किसी बात की शर्म है या नहीं, तो फिर इन कपड़ों की भी शर्म क्यों? चलिए आज आपकी खूबसूरत अदाओं की तस्वीरें रंगी जाए, लेकिन बिना इन रेशमी लिबासों के अब आप इसे अपना इम्तिहान समझें क्या? है ना अनोल वारी, ये तस्वीर मैं सिर्फ अपने पास नहीं रखूंगा, आपके दूसरे पति के साथ भी शेयर करूंगा। And I'm sure he won't complain. और हाँ, आपके बाकी आशिकों का भी नाम पता बता दीजिएगा, उन्हें भी आपकी खूबसूरती से दूर क्यों रखें? यार मिसेस कपूर, आपके खेल बड़े अजब निराले। कहिए मिसेस कपूर, कैसे इम्तिहान के लिए आप तैयार हैं? आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी नरेन। आखिरी इम्तिहान है तो आखिरी हद तक तो जाना ही पड़ेगा। इम्तिहान के नाम पर आप मुझे जलील करना चाहते हैं? इतनी नफरत कि आपने अपनी रूह को भी मार डाला? चलिए मान लिया कि मेरे प्यार में खोट है, मान लेते हैं कि मैंने आपको छला, लेकिन आपकी मोहब्बत तो खरी थी ना?
फिर भी आपने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया। इतनी सस्ती है आपकी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत को परखने से पहले खुद को परखा होता तो कपूर की महफिल में इस तरह थुमके नहीं लगाई। बीवी जी, आपको इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, थोड़ी खुशी हमारे साथ भी बांट लीजिए। आज रात बस एक बार पूजा मैडम के तमाशे पर पर्दा गिरा और तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास होगी। मैं नरेन से शादी करके अमेरिका उड़ जाऊंगी और फिर पूरा का पूरा व्यास एम्पायर तुम्हारा। लेकिन मैं सोच रही थी राहुल, कहीं पूजा फिर से नरेन को अपनी बातों में घुमा तो नहीं देगी। बीवी जी, ये इश्क कभी अकेला नहीं चलता, अपने साथ साथ शक भी लेकर आता है। और इस वक्त शक ने नरेन बाबू को चारों तरफ से घेर लिया, तो पूजा मैडम का कोई भी जान इस दीवार को नहीं तोड़ पाए। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखें मैडम जी। ऐसी उसे पतिदेव, एक्स पतिदेव। वैसे एक बात बताइए, आप अपने भाई की साइड से आएंगे या अपनी एक्स वाइफ की तरफ से आएंगे? ऐसा है एक्स पत्नी जी, जब हल्दी लेकर आएंगे तो भाई के भाई बन जाएंगे, और जब हल्दी लगाएंगे आपके एक्स पतिदेव बन जाएंगे। व्हाटसे एज यू से पतिदेव। फील आ रही है? दावे मुझसे प्यार करने का करती और मन पूरे मोहल्ले का बहलाती है। आप ही बताइए, आपकी बातों पर यकीन करे भी तो कैसे करे? किसी ने आपको नकली वीडियो दिखाई और आप मान भी गए। मैं चाहूं तो किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर 2 घंटे में इस वीडियो की असलियत साबित कर सकती हूं, पर शायद अब कोई सबूत आपके नफरत को जीत सकता ही नहीं। आप मेरा क्या इम्तिहान लेंगे नरेन? आज इम्तिहान तो आपका होगा। बेलिबास भले ही मैं होंगी, पर उघाड़ी होगी आपकी मोहब्बत। जितने चाहे कैमरास चालू करने हैं कर लीजिए मिस्टर व्यास, मैं भी तो देखूं मेरी तस्वीरें आप किस किस को भेज पाते भी हैं या नहीं।